बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बरकली और आप देख रहे हैं ट्यूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। ट्यूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेकर एक मजेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याज़ा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत लजीज है और आप बड़ी आसानी के साथ थोड़े से अज्जा के साथ बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होगी। आज की रेसिपी के लिए तमाम चीज़ें जो है हम धो के ले आए हैं, और भिंडी को हम करेंगे खुश्क। भिंडी को हम खुश्क कर लेंगे एक रुमाल की मदद से, आप चाहे तो टिश्यू की मदद से, या इसे वैसे ही थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के रख के खुश्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा जल्दी में करेंगे और रुमाल की मदद से जो है उनको खुश्क कर लेंगे। भिंडी को खुश्क करने के बाद अभी हम काट लेंगे और इसकी टहनी की साइड जो है वो उतार देंगे साथ से, और तकरीबन इस साइज़ में जो है वो हम भिंडी काट लेंगे। भिंडी दो प्याज़ा के लिए भिंडी जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी काटेंगे, और देखने में जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगती है इस रेसिपी में थोड़ी बड़ी भिंडी। आप वैसे इसको छोटा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ जो है वो भी सेट कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा इसका साइज़ रखूँगा ताकि देखने में जो है वो खूबसूरत सी लगे। भिंडी की कटिंग हमने कर लिया और भिंडी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही है इस कटिंग में। इसे हम डाल लेते हैं टोकरी में। अभी हम भिंडी दो प्याज़ा के लिए प्याज काट लेंगे, और प्याज हम किस तरह काटेंगे वो आपको दिखाते हैं। भिंडी दो प्याज़ा के लिए प्याज की कटिंग जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसमें प्याज जो है वो दो तरह का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो थोड़ा बड़ा बड़ा हम रखेंगे और एक छोटा कर लेंगे, और प्याज के बड़े हिस्से जो है वो हम अलहदा कर लेंगे इस तरह। यहाँ तक बड़े से जो है वो हम अलहदा कर लेंगे। प्याज का जड़ वाला हिस्सा जो है वो काट लेंगे, तो इस तरह इसके पीस जो है वो अलहदा करना आसान हो जाएंगे। प्याज का बाकी हिस्सा जो है उसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि ये भी इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। भिंडी और प्याज हमने काट लिया, और अभी भिंडी दो प्याज़ा जो है बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे में आग हमने जला लिया और कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पर। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और ऑयल जो है वो हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें भिंडी को जो है वो हम फ्राई करेंगे। अभी ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल गर्म हो गया और अभी कढ़ाई में डाल लेते हैं भिंडी। ऑयल को थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे भिंडी को फ्राई करने के लिए, और भिंडी को कढ़ाई में डालने के बाद चम्मच जो है वो ज़रा हम सलसल हिलाएंगे ताकि सारी साइडों से भिंडी जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। भिंडी को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने पे कढ़ाई में से इसे निकाल लेंगे। भिंडी को फ्राई करते हुए इसमें चम्मच जो है वो नरम हाथ से मुसलसल हिलाते रहना, अगर आप हिलाएंगे नहीं तो भिंडी जो है वो डबल शेड हो जाएगी, एक साइड से जो है फ्राई हो जाएगी, एक साइड से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसमें चम्मच जो है मुसलसल हिलाते रहेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। भिंडी को जो है वो हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा फ्राई करने से जो है वो जल जाएगी, सख्त हो जाएगी, इसलिए इसे नरम होने तक जो है वो फ्राई करके निकाल लेंगे। भिंडी को फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे प्याज। प्याज के जो बड़े बड़े टुकड़े हमने काटे थे उनको फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे, बस इसके ऊपर थोड़े थोड़े पकने के निशान जब आ जाएं तो इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। प्याज भी हमारा फ्राई हो गया, और प्याज को भी कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। भिंडी और प्याज को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा है इसी में हम भिंडी के लिए मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए ऑयल में हम डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, और साथ में हम इसमें डाल लेंगे प्याज।
प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे टमाटर। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जल्दी में से बनाना चाहते हैं तो। वैसे हम मसाले के अंदर ही टमाटर डाल लेंगे, ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह नरम हो जाएंगे इसमें। प्याज नरम हो गया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं टमाटर। टमाटर को भी नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे सब्ज मिर्च। टमाटर भी नरम हो गया और अभी हम डाल लेते हैं कढ़ाई में सब्ज मिर्च। अभी हम कूट लेंगे थोड़ा सा लहसुन और साथ में अदरक। प्याज, सब्ज मिर्च और टमाटर जो फ्राई हो गए हैं और अभी हम इसमें डाल लेते हैं खुश मसाला जात। नमक डाल लेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। खुश मसाला जात डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे मज़ीद पका लेंगे। मसाला जात को थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद अभी हम इसमें डाल लेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन और इसमें हमने डाल लिया थोड़ा सा पानी। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मसाले में डालेंगे थोड़ा सा दही। दही डालने के बाद अभी मसाले को थोड़ी देर के लिए मज़ीद पका लेंगे और इसमें चम्मच जो है वो मसलसल हिलाएंगे ताकि दही जो है वो अच्छी तरह बीच में फेंटा जा सके। मसाला हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तैयार हो गया और मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अभी हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी सुरख मिर्च। खूबसूरती के लिए डाल रहे हैं क्योंकि भिंडी के साथ साबुत मिर्च जो है वो देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी लगती है और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक से आधा मिनट। अभी हम कढ़ाई में डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसको एक दफ़ा हिलाएंगे ताकि मसाला जो है प्याज के गिर्द लग जाए। प्याज के बाद अभी हम इसमें डालेंगे भिंडी। भिंडी डालने के बाद एक दफ़ा हिलाएंगे ताकि मसाला जो है वो भिंडी के गिर्द अच्छी तरह लग जाए। भिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अभी हम भिंडी को रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पे। भिंडी को ऊपर से डांप लेंगे, चूल्हे में से आग जो है वो बंद कर देंगे, खाली कोयले के ऊपर जो है हम भिंडी को दम पे रखेंगे। भिंडी और प्याज जो है वो ऑलरेडी फ्राई करते हुए नरम हो चुका है इसलिए हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे दम पे रहने देंगे। भिंडी दो प्याजों को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अभी हम ढक्कन खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत ही मज़े की और देखने में भी बहुत ही प्यारी सी लग रही है भिंडी दो प्याजा। तो माशाल्लाह भिंडी दो प्याजा जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया और अभी हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अभी हम आपको भिंडी दो प्याजा की रेसिपी जो है प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। जो मिर्च हमने इसमें साबुत रखी थी वो माशाल्लाह इस तरह प्लेट के ऊपर आप रखें तो बहुत ही खूबसूरत सी लगती हैं। साबुत मिर्च जो है वो देखने में तो खूबसूरत लगती है और इसके अलावा कुछ फैमिली मेंबर्स जो है वो तीखी मिर्च भी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये जो है वो काफ़ी सूटेबल रहती है कि इसको तोड़ के जो है वो खा सकते हैं साथ में। तो माशाल्लाह ये भिंडी दो प्याजा की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। और अभी हम आपको भिंडी दो प्याजा की रेसिपी जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह। भिंडी दो प्याजा को आप खा सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ भी कुछ लोग जैसे पसंद करते हैं मगर हम यहाँ पे रोटी के साथ ही खा रहे हैं। ये
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी जो है तैयार हुई है। और प्याज जो है वो भी बहुत ही मज़ेदार। आप लोग हमारे तरीके को फॉलो करके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। और कमेंट भी ज़रूर करना आप लोगों ने कि कैसी आपसे तैयार हुई। हाँ जी बेटा जी, भिंडी तो प्याज़े का मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। तो माशाल्लाह ये हमारी भिंडी तो प्याज़े की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।